किस बात से गुस्से में? अभी तो मूड तो ऑफ था तेरा कल रात को। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर बॉय स्टार्बर। तो गाइज, मेरा जो पिछला व्लॉग था वो डिलीट हो चुका था, आप सबको पता होगा। आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो वो व्लॉग मेरी डिलीट हो चुकी थी। तो आज ये हमारे पूरे दिन के ऊपर रूटीन के ऊपर होगा कि हम लोग लॉकडाउन के अंदर क्या कर रहे हैं, वीडियोज़ कैसे बना रहे, किस टाइम क्या कर रहे हैं। मैं अभी पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊँगा आगे, ठीक है? ऐसे ही वीडियो में बने रहो। अभी मैं निकलूँगा सपना को लेने के लिए, पहले चलते हैं गाड़ी के पास, फिर दिखाता हूँ एक सेकंड। सो गाइज, मैं घर से निकल चुका हूँ। ये जो पीछे देख रहे हो ये मेरा घर है और ये हमारी स्कूटी है। तो अभी मैं चलता हूँ कार के पास, फिर दिखाता हूँ आगे का सीन, ठीक है? तो यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा सपना के पास, फिर नाजिम के पास, फिर आगे का सीन दिखाते हैं आगे क्या होता है। चलो मिलते हैं बाबा। सो गाइज, हम कार के पास पहुँच चुके हैं। ये देखो हमारी कार, ये पीछे खड़ी है। तो अभी मैं यहाँ से कार के पास जाऊँगा, फिर सपना के पास निकलेंगे, फिर दिखाता हूँ। सपना बहुत गुस्से में है मेरे से, बिकॉज कल हमारी लड़ाई हो गई थी किसी बात पे। वो बहुत गुस्से में है बिकॉज उसकी वीडियोस अपलोड नहीं करी मैंने कुछ दिनों से, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। और छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई थी कि तू मेरी वीडियोस नहीं डालता ढंग से। तुम्हें पता ही है कपल्स के बीच में लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी सॉल्व करूँगा, उसको मनाऊँगा, फिर उसको लेके आऊँगा वीडियोज़ के लिए। तो ये चलता रहता है कपल के बीच में। तो अभी चलते हैं उसके पास सीधा, फिर दिखाता हूँ कैसे, ठीक है भाई? सो गाइज, मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकल चुका हूँ, इसलिए फ़ोन हाथ पे नहीं है मेरे, फोन नीचे पड़ा है, अभी हाथ पे लेता हूँ उसको। तो हम लोग निकल चुके हैं लेने के लिए, तो आगे का सफ़र एंजॉय करो गाइज, ठीक है? और बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। ये तो हमारे आज के फुल डे का रूटीन के ऊपर वीडियो है, और मुझे क्या क्या करना चाहिए, प्रैंक वगैरह भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए सपना के साथ, तो ये सब बताओ मेरे को कमेंट में, ठीक है गाइज? बाय बाय। ऑलराइट गाइज, मैं सपना के पास पहुंच चुका हूं, बस वेट कर रहा हूं, वो 2 मिनट में आने वाली है। तो फिर वेट करते हैं, देखते हैं क्या बोलती है। गुस्से में है वो बहुत ज़्यादा मेरे से, अभी किसका रिएक्शन क्या होगा वो देखना गाइज, ठीक है? मैं कैमरा वहां पे रख दूंगा डैशबोर्ड पे, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जाए क्या बोलेगी देखते हैं, ठीक है गाइज? उसे पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। ये सरप्राइजिंगली किसी को भी नहीं पता कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। ये ब्लॉग सरप्राइज व्लॉग है एक तरीके से, फुल डे ऑफ आवर लाइफ, हम लोग कैसे लॉकडाउन के अंदर वीडियोस बना रहे उसके ऊपर है। तो उसको अभी तक पता नहीं है, तो चलो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है गाइस। सो गाइस, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। वो आके इस वाली सीट पर बैठेगी, ये जो दिख रहा है आपको, इस वाली सीट पर बैठेगी वो, उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अभी उसको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर दिया है। तो वो मुझे आते ही क्या रिएक्शन देती है, मतलब मुझे क्या बोलती है देखना, क्योंकि कल रात से मैंने उससे बात नहीं करी कॉल पे, और बहुत गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो अभी तक आई नहीं है। इतना गुस्सा है वो, कम से कम 5 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे वेट करते करते, अभी तक नहीं आई है। चलो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया मैंने, तो गाइस वो आ रही है, आ चुकी है वो। गाड़ी आगे ली बिकॉज उसके साइड में कीचड़ पड़ी थी, देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ढंग से रेडी नहीं हुआ, रेडी तो बोल रहे थे कुछ और पहनूंगी। आगे क्यों कर रही है, वही रहने दे, मूड ठीक है तेरा है? क्या हो गया, किस बात से गुस्से में? अभी तो मूड तो ऑफ था तेरा कल रात को। अरे यार, कैमरा ही गिर गया। तो गाइज, इसका रिएक्शन कुछ भी नहीं आया, ये चुपचाप है, शांत है, मतलब इसका मूड ऑफ ही है अभी तक। मुझे लगा आके उसको बोलेगी, बट बोला ही नहीं इसने। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सैम के पास, बिकॉज वो बंदा आज नमाज पढ़ने गया था। बात देखते क्या सीन होता है, बहुत गुस्से में ये, वैसे भी आधे घंटे लेट आई है। तो कुछ बोलना चाहेगी, मूड ठीक है तेरा? तो किस बात पे लड़ाई हुई थी हमारी, बता सकती है तो ऑडियंस को? तो गाइज, मैं
अपने साइड से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मान जाइए गुस्सा ना रहे, बट इसका मूड ऑफ है अभी तक, क्योंकि मैं कल रात से सॉरी बोल रहा हूँ इसको, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। देखते क्या होता है। हे गाइस, तो मैं ये बोल रही थी अभी हम नाजिम के पास जा रहे हैं अभी तक, बट उसने खाना नहीं खाया तो वो खाना खा रहे हैं, तो मैं कहाँ से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि इसने मेरी वीडियो नहीं डाली थी। तो अब हमारी लड़ाई सॉल्व हो गई है, तो देखते हैं वो बोल दिया है मेरे को सॉरी सॉरी, तब जाके मानिए गाइस, मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा इसको। हाँ ऐसा नहीं है मैंने भी सॉरी बोला है, तो चलो ठीक है फिर मिलते हैं। सो गाइस, नाजिम आ चुका है और आज हम आप लोगों को ये दिखाएंगे कि हम लोग वीडियो कैसे बनाते हैं, और आज वो कुर्ता पहन के आया है बिल्कुल ही, मतलब उस साइड रिंग लाइट है वो इधर से इधर आएगा। अरे इधर से ये देखो। मैंने बोला था गाइस उधर से इधर आएगा, ये तो आ चुका है उधर। अब देखो पीछे कुछ बोलना तो नाजिम, नमाज कैसा गया? नमाज अच्छा था, बाकी सब अच्छा था। तो आज हम पता है किस चीज के ऊपर ब्लॉग शूट कर रहे हैं? ऐसे ही यहां पे तैयार होने की नहीं हो रही है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ नाजिम, पता है तुझे तो आज गाइस मिलते हैं हम? नहीं 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 नहीं, मिलते नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो नाजिम तूने, तुझे पता है कि हम लोग किस चीज का ब्लॉग शूट कर रहे हैं आज? मेरे को नहीं पता। तो हम लोग आज हमारे फुल डे के ऊपर रूटीन जो हमारा है, लॉकडाउन के अंदर। वैसे मुझे बताया भी नहीं कि ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस किसी को नहीं पता था ना, मेरा मूड तो बहुत ही ऑफ, बट अभी नहीं है, अब ठीक हो गया। तो अभी मैं बाकी अभी इसके हाथ में है फोन, बट इसके बाद मेरे हाथ में होगा, तो चलो देखते हैं क्या सीन होता है आगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे तो गाइस देख सको तो ये सीन चल रहा है यहाँ पे। अभी भाई स्कूटी से गिर जाते थे। भाई गिरे तो नहीं ना? भाई गिरे तो नहीं? ये पागल हो गया। भाई नहीं गिरा, स्कूटी से बच गया। नीचे दिखा में भी कितना पानी है यार। तो कल बारिश हुई थी रात को बहुत ज्यादा ही, तो सीन देख सकते हो हम लोग कैसे 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 करके वीडियोस बनाने जाते हैं लॉकडाउन में। आप ये दिल्ली की छोटी गंगा है। कल भी बहुत ज्यादा पानी भरा था यहाँ पे, बट वो तो ये हुआ कि हम लोग कैसे भी करके चले गए, नहीं तो गाड़ी फंस जाती। और ये एक और एकलौता ये मास्क हटाओ यहाँ पे, बहुत लंबा था। एक एकलौता रास्ता है जिससे हमें पुलिस वाले नहीं मिलते, इसलिए हम इस रास्ते से जाते हैं गाइस। एकलौता एकलौती रास्ती ये दिल्ली की छोटी गंगा थी जो हमने पार कर ली गाइस। इनकी हिंदी आप देख ही रहे होंगे, हिंदी तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मास्क नहीं हटा रहा, ब्लू है, ब्लू ले हटा दिया। तो गाइस यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, दो मिनट। हाँ ये तो अब हम लोग थोड़ी देर में हमारे घर पहुंच जाएंगे, 5-10 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग छत में जाएंगे, बाहर जाएंगे, अभी कैमरा लेंगे, कैमरा उठाएंगे घर से, फिर फोटो शूट वगैरह भी होगा आज, और वीडियो शूट करेंगे वहाँ पे, और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी इंस्टाग्राम पे। और अगर आप लोगों ने हम तीनों को फॉलो नहीं कर रखा है अभी तक इंस्टा पे, तो तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आगे। सो गाइज फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अभी सैम कैमरा लेने गया हुआ है मेरे रूम में, अभी कैमरा लेके आएगा जैसे ही, फिर हम लोग लोकेशन में जाएंगे, वहां पे वीडियोस वगैरह और फोटो शूट वगैरह करेंगे। तो कुछ बोलेगी तू? आके बात करते हैं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं, वीडियोस बनाएंगे। यार इसका मूड बहुत ऑफ है गाइस, क्या करूं मैं इसको मनाने के लिए, आप बताओ। वैसे अच्छी लग रही है ऐसे बाल में ना, ऐसे करके। मैं दिल से तारीफ कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। देखा डायलॉग नहीं लग रही? फिल्मी डायलॉग नहीं है ये, मेरे दिल से निकली हुई डायलॉग्स है गाइस। तुम्हें क्या लगता है? दिल से निकली हुई? हाँ, निकला हुआ होता है, निकला हुआ मेरा डायलॉग्स है। हाँ। बट मैं हिंदी में इतना कमजोर हूँ, बिकॉज मैं बांग्लादेश से हूँ, इस वजह से। बांग्लादेश? हाँ कहाँ से तू? बांग्लादेश। सच बता ऑडियंस को। तो गाइस मैं बिलोंग करता हूँ MS धोनी, थोड़ा अच्छे से बोलने दे। मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ से MS धोनी बिलोंग करते हैं, रांची झारखंड, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। बट मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ, और 5 साल से रह रहा हूँ, और मैं कर क्या रहा था, टिकटॉक।
उसमें स्ट्रगल करा, फिर टिकटॉक बैन हो गया, फिर अभी इंस्टाग्राम पे आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका बहुत ज्यादा ही, तो अभी यूट्यूब में भी मेहनत बहुत करी है। हाँ गाइस, मैंने बहुत जगह हाथ मारा है और लोगों ने बहुत धोखा दिया है मेरे को, बट इसकी बात अलग है। घर पे, तो इस वजह से, बट बाकी सब कुछ हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की नीड पूरी करें और खुद आगे बढ़े, हंसते खेलते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, बट इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूट्यूब में भी अच्छा ग्रो हो जाए हमारा, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, प्यार चाहिए बस और कुछ नहीं। तो गाइस अभी वो जैसे कैमरा लेके आता है फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस, बाय। हमारे एक पार्सल आ चुका है जो पावर बैंक जो बहुत ज़रूरी होता है, तो ये रहा, अभी इसके अनबॉक्सिंग करेंगे फोन। तो अब हम लोग यहाँ से रास्ते मतलब निकल चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे अभी हम लोग वीडियो शूट करेंगे, और वहाँ पे दिखाते हैं हम लोग कैसे वीडियो शूट करते हैं। मतलब वो लोकेशन उतना खास नहीं है बट ठीक ठाक है, हम लोग वहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं ना जी, सही है ना वो लोकेशन? लोकेशन बहुत अच्छी है, तो मतलब उतना खास नहीं है बट ठीक है, अभी तक इसके अनबॉक्सिंग नहीं हुई, खोला नहीं इसने अच्छे से, तो खोल दिया इसने। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, देखा यो यो। तो गाइस ये रियलमी का, हाँ रियलमी का है, बहुत सही था, 20,000 mAh, मतलब टू ट्रिप व्रिप में जाओगे कहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत काम चल जाएगा इससे आपका। तो अभी फुल डिटेल में बताऊंगा इसको कभी नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसा है क्या है यूज़ करके, अभी तो अभी आया ये पार्सल, फिर बताते हैं आगे, ठीक है। चलो फिर लोकेशन के पास पहुंचता हूं, फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूं। सो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सो हे गाइस फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अभी बाहर निकलते हैं गाड़ी से, अभी वीडियोस निकाल रहे हैं हम लोग वीडियोस बनाने के लिए, और मैडम का शायद दोबारा मोड ऑफ हो गया है, तो मास्क क्यों नहीं डाल रही है, पुलिस वाला कैसे आएगा। तो गाइस ये रहा पावर बैंक जो अभी दिखाया था मैंने, तो देख सकते हो ये 20,000 mAh का है, सही है, फील अच्छा हो रहा है पकड़ने में, मतलब ट्रिप के लिए बेस्ट है ये, है ना बेबी? तो नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाने वाली है, मतलब ट्रिप का व्लॉग डालें या ना डालें हम लोग बताओ ज़रूर, मतलब हमें कौन से ट्रिप पे जाना चाहिए। तो नाजिम ट्रिप पे जाना चाहेगा, तू अगर लेके जाएगा तो मैं, अरे मैं लेके जाऊँगा, तू बता कहाँ जाना है देखो। मैं बता क्या सोच रहा हूँ, ऑप्शन शिमला, नहीं शिमला नहीं, शिमला, कश्मीर, कश्मीर, मनाली, मनाली, गोवा, गोवा तो होके आ गया तू शायद, गोवा होके आ गया तू, नहीं गया ना? हाँ मैं नहीं गया गोवा। अच्छा, उसके बाद देहरादून में मैं घूम के आ गया, उसके बाद ये जब कसोल गया, कसोल, हाँ कसोल गया हूँ मैं, कश्मीर में पड़ता है, हाँ कश्मीर, वही तो कश्मीर नहीं गया, तो कसोल का भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम जाना बेस्ट है, बट अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलता है ट्रिप का प्लान करते हैं, फिर मजा आएगा। कश्मीर बेस्ट है, ये हूं के अलावा कुछ और भी बोलना होता है, ऑडियंस तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो इसका मतलब नहीं कुछ चुप रहेगी। गाइस चार ऑप्शन रखा हमने, कश्मीर, उत्तराखंड जाना चाहती हूं अपने, हाँ तो एक देखो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन, उत्तराखंड, हाँ, शिमला और कसोल, कश्मीर, हाँ कश्मीर और गोवा, हाँ ये चारों का, चारों लोकेशन में से जो बेस्ट लगे आपको, सबसे ज्यादा जिसका कमेंट आएगा ना फिर हम वहाँ का प्लान बनाएंगे। उत्तराखंड, तो मेरे मैं उत्तराखंड, कश्मीर, गोवा, मेरी ऑडियंस उत्तराखंड बोलेंगी, और जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग बोलेंगे गोवा और कश्मीर वाले, मेरी ऑडियंस कश्मीर, तो गाइस जल्दी जल्दी करना है कश्मीर, कश्मीर, ओके। तो जैसे ही अभी हम लोग ने बोल दिया है, तो जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो चलो अभी दिखाता हूँ बाहर का सीन, अभी शूट कैसे करेंगे, फिर वीडियो वीडियो बनाएंगे, पहले सबसे पहले फोटो शूट करेंगे। कश्मीर, गोवा, कश्मीर। फाइनली हमारी वीडियोस दो तीन शूट हो गई है, दो दिन नहीं चार, चार हो गई है मेरी शूट, और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है, तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा थकी हुई लग रही है। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हो गया? अरे धूप लग रही है, पानी पी लिया तूने? पी लिया। तो गाइस अभी वो रेस्ट कर रही है थोड़ा सा,
फिर उसके बाद हमारे भाई का वीडियो शूट होगा, मेरा नंबर है हाँ। उसके बाद फिर सपना का रील शूट करेंगे, दो तीन जो सिंगल वीडियोस बनाती है आप लोगों को बहुत पसंद आती है। तो गाइज ये लोकेशन है, ये देखो पूरा खाली रोड पड़ा है, पूरा खाली है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। और यहाँ पे एक दुकान भी है, मतलब हमारे हमने खुलवाई है, जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है उसके अंदर है वो, और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और बारिश की वजह से सीन देखो गाइज, हर तरफ पानी पानी, देखो उधर भी पानी है, यहाँ पे एक ऊबर वाला रखा है। और यहाँ पे एक बस स्टॉप है, ये तो दिख रहा है, ये रानीखेड़ा का बस स्टॉप है जहाँ पे हम लोग वीडियो शूट करने के लिए आए। तो आपने देख लिया होगा, अगर आपको लॉकडाउन के अंदर वीडियोस बनानी है और आप हमारे एरिया के साइड रहते हो तो इस जगह आ सकते हो, क्योंकि ये सही है, सेफ़ है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले उतने नहीं हैं, यहाँ पे वीडियोस बना सकते हो आप लोग। और सपना मुझे देख रही है, चाय पी लो। ये क्यों परेशान है, मैं मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा क्यों परेशान है, क्योंकि सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ उसके लिए, और उस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों परेशान थी। बट अब उसके बाद जब इसके सीन हो जाएगा सही, तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना, उस ब्लॉग में बताऊंगा इस कर क्यों परेशान एक्टिंग कर रहा है लड़का बीच में। तो ये उछल कूद रहा है पीछे से, क्या कर रहा है, प्रैक्टिस चल रही है वीडियो की, तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद शूट करता हूँ मैं। कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दबा देगा ना वहाँ पे। चले फिर करे शूट तेरा, चल ठीक है। तो गाइज मैं अभी कैमरा कहीं पर रखता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे शूट होता है वीडियो। तो फोन रख दिया हमने अभी, और यहाँ से दिखाएंगे कैसे वीडियो शूट करते हैं हम लोग हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आओ नाजी देख, मैं इधर खड़ा रहूँगा ठीक है, पी आएगी वहाँ से ठीक है, अच्छा ये ऐसे करेगी, हाँ ऐसे करेगी, मैं ऐसे करूँगा लाइटर लेके, ये ब्रो चली जाएगी ऐसे देख। तो ये गाइस अभी इसकी वीडियो एक शूट हो चुकी है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं नाजिम, अभी पहले तीन वीडियो और शूट करेंगे उसके बाद, हाँ उसके बाद हम लोग फोटो शूट करेंगे जिसमें अच्छी अच्छी फोटो आने वाली है। तो गाइस जाओ जल्दी जल्दी, जिसने जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा वो फॉलो कर लो। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बेबी, गुस्से में अभी कुछ नहीं करने वाली, तो फोटो क्लिक करेंगे इसके साथ, उसके बाद इसके शूट करेंगे वीडियो, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर अपने छत पर जाएंगे गाइस, और बस फिर मैं इनको छोड़ने जाऊंगा घर, रोज का काम यही है। चल ले लाजी, चल फिर फोकस लगा दिया। ओके गाइस अभी हमने दो तीन फोटोज क्लिक करी है, तो अभी ये रहा इसके हाथ में कैमरा है, तो अभी हम लोग लोकेशन के पास जा रहे हैं, मतलब अभी वीडियोस फोटोज के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा लोकेशन मिल जाए ताकि आपको फोटो अच्छी मिल पाए। तो अभी हम लोग उस गेट के पास जाने वाले हैं, वो दिख पीछे ब्लू गेट दिख रहा होगा आपको सीधा, उस गेट के पास जाएंगे फिर अच्छी फोटो आएगी, बहुत बॉम्ब फोटो शूट होगी। हाँ क्या बोल रहे हैं, बहुत बॉम्ब फोटो शूट होगी एंड एडिटिंग भी बहुत बॉम्ब होगी। तो चलो गाइस अभी दिखाते हैं क्या सीन होता है, जिसको शूट कराना था ना तो मेरे को फॉलो कर लेना। इसके इंस्टाग्राम आईडी नीचे डाल दूंगा गाइस मैं। तो ये मेरे घर के पास का लोकेशन है गाइस, अपने घर के पास ही वीडियोस बना रहे हैं अभी हम लोग। फाइनली गाइज हमारी शूट खत्म हो चुकी है वीडियोस की, एंड अभी हम जाम में फंसे हैं, घर जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको कितना जाम है, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं फैल रहा है, ये देखो जस्ट दिखाते हैं, देखो कितना भीड़ देख सकते हो, कितना भीड़ है यहाँ पे, मतलब गाइज मैं तो थक गई बहुत ही ज्यादा यार, ये लोगों को शर्म नहीं आ रही, कोरोना वायरस चल रहा है, इतने घूम रहे इधर उधर घूम रहे, सब्जियां ले रहे, तो मतलब भाई डिस्टेंस देखो, चिपके हुए हैं कुत्तों की तरह, कुत्तों की तरह, व्हाट द फक। तो गाइज आप लोग सेफ रहो अपने घर में, इन्होंने हल्का में ले रखा है कोरोना वायरस को, तो आप लोग हल्के में ना ले, अब भारी ले, दिखाते हैं तो आप अपना को ले दे, ये देखो दिखाता हूँ एक एक करके, देखो हेलो, ये देखो, ये देखो कैसे सटे सटे से आ रहे, इधर दिखा, तो गाइज हम बहुत ज्यादा बोर हो गए। तो गाइस फाइनली हमारे फोटो शूट और वीडियोस वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इन दोनों को मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ, और अभी हम जाम में फंसे हुए हैं, बिकॉज आप देख सकते हो बाहर, देखो अंटिया कितने जाम लगे हुए हैं पीछे,
हाँ आपने देखा ही होगा। और हम कितने, एक घंटा हो गया हमें यहाँ पे फंसे हुए। नहीं एक घंटा का हुआ है, 20 मिनट हो रहा है, 20-25 मिनट निकल चुके हैं पिछले वाला क्लिप है ना। गाइस हमारी वीडियोस डन हो चुकी है और हम घर के लिए निकल चुके हैं और हम एक घंटे तक जाम में फंसे हुए थे। और अभी आपने देखा कितना मतलब भीड़ था वहाँ पे पीछे, बाजार कम मेला ज्यादा लग रहा था। ये सही बोला तो अब हम जा रहे हैं गाइस। तो आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे इस बात तो पे? मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सेफ रहो, अपने अपने घर में रहो और मेरी तरह गाड़ी चलाते वक्त फोन यूज ना करें। और अपनी दुकान निकल चुकी है। हाँ तो हम लोग अब जा रहे हैं। तो जैसे हमने बताया था कि आज का फुल डे कैसा सीन होता है, तो हमने पूरे आज पता है गाइस लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खा जाएंगे हम जब वीडियोस बना रहे थे। तो हमें बहुत ये चीज बहुत गंदी ऑकवर्ड लग रहा था, ऑकवर्ड। तो हमने वहाँ से आ गए थे वापस, तो हमने चार चार वीडियो शूट करी मैंने आकाश के। अरे एक चीज तो बताने भूल गए बेबी, अरे सैम हम जब फोटो शूट कराने गए थे हमने क्या देखा था? मतलब तो गाइस वो क्लिप लेना भूल गए हम लोग। अब ये बहमी इंसान है। डर गया था मैं वहाँ से, मैं भी डरा था, ये डरा था, ये बहमी है। मतलब बड़ा अजीब सा जगह था, खंडर था पूरा खंडर। फोटोज पोस्ट करके अभी देखा। अभी चलो मैं इनको घर छोड़ता हूँ, फिर घर आके आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना गाइस, ठीक है? बाय बाय, लव यू ऑल।